Bueno. मैंने सोचा मैं यार कहीं कहाँ है कि मैं यार कुछ टाइम आया हूँ कहीं कहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं अभी मैं क्या नहीं है उससे ये बात है ना कुछ के साथ इसको तो कौन कहाँ लगा ये कुछ आधी लगा आधी लगा आज इसके साथ साथ हाथ पकड़ा था तुम्हारा उम्र कितना 18 साल � मैं आपको ले आपके पास ले अरे दादा थोड़ी हो तुम इसको नाक दे दिया मैं भी नाक कर दूँ थोड़ा लगता है नहीं बनेगा गलती कर दे तो भोग रहा हूँ ना ये जो बाहर गांव जाने वाली गाड़ियां है स्पेशली गुजरात और राजस्थान वहां जाने वाले पैसेंजर्स को ये लोग घेर लेते हैं और अगर उनका उनके पास टिकट कंफर्म नहीं है तो ये लोग कहते हैं कि हम आपका टिकट कंफर्म करा देंगे। कंफर्म कराने का मतलब आपको सेफ जर्नी आपका हो जाएगा। रेलवे में हमारे बहुत पहचान है, ये पहचान ऐसे दिखाते हैं और उसी बहाने लोगों को ठग लेते हैं। पुलिस भी बनते थे लोग, इसी खबर आई है। हाँ जी, ये रेलवे का अफसर बड़े अफसर है ऐसा बता के दो जन है, एक जन इंट्रोडक्शन करता था दूसरे के बारे में कि ये हमारे पहचान वाले हैं, ये आपका टिकट कंफर्म करा देंगे और आपको सेफ जर्नी कराएंगे। और उसी बहाने उनके पास जो सामान है, जो कैश है, वो बोलते थे उनको एक बंद लिफाफे में डाल दो, हम उसके ऊपर साइन करके उसको सील कर देंगे, फिर आपको कोई चेकिंग नहीं होगी, नहीं तो आपको ट्रैवलिंग में परेशानी होगी। ट्रैवलिंग में आपके टीसी लोग या फिर पुलिस लोग परेशान करेंगे तो उससे आपकी परेशानी बच जाएगी, ऐसा करके वो लोगों को ठगते थे। तो क्या सामने आया अब तक, इन लोगों ने कितने लोगों के साथ में क्रेडिट खरीद किया? हमारे यहाँ तो अभी फिलहाल 24 तारीख को एक गुना हुआ था, एक राजेंद्र पटेल का नाम का युवक, वो जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जा रहा था जयपुर, तो उसके पास टिकट कंफर्म नहीं था, तो इसमें से एक जन ने उसको बताया कि मैं आपका टिकट आपको व्यवस्था कर देता हूं करके, तो उसने वो दूसरे आदमी से पहचान कराई कि बोला ये रेलवे का बहुत बड़ा ऑफिसर है और आपका ये काम कर देगा करके। उसी बहाने उसके पास जो पैसे थे वो उसने बोला कि आप लिफाफे में डालो, और ये लिफाफा फिर उसने लिफाफे पैसे डालने के उसके जेब में रखा, फिर जो वो उसके जेब में से निकाल के उसने वापस उसको दे दिया, बोला अभी रखो ये, अभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी करके, ऐसे करके उसने ठग लिया है। सर कहाँ से तरीका सीखे कुछ बताया? अभी इंक्वायरी करने के बाद मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि उनके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुआ था, लुधियाना में उनके साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ, इसके लिए वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये तरीका अपना के लोगों को ठगा जाए। उनके लिए एक ही मैसेज ऐसा है कि कभी भी किसी के ऊपर आप विश्वास न करें।
अगर कोई आपको बताता है कि हम रेलवे वाले पुलिस वाले तो उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, यहाँ पे कोई किसी को मदद ऐसे कोई करता नहीं है। अगर उसका उसके पीछे उसका कोई इंटेंशन रहता है ये समझना चाहिए लोगों को।